myself Lakshya. My practical presentation is on topic calibration of a measuring flask using distilled water. इसके लिए हमें एक वेइंग मशीन चाहिए और एक मेजरिंग फ्लास्क चाहिए. हम सबसे पहले एम्प्टी फ्लास्क का वेट मेजर करेंगे. सबसे पहले वेइंग मशीन को 0 ग्राम में रखेंगे. एम्प्टी फ्लास्क का वेट मेजर करेंगे. इसका वेट है 54.56 ग्राम. अब हम इसके अंदर 100 ml वाटर डिस्टिल्ड वाटर डालेंगे और फिर इसका वेट मेजर करेंगे. इतना आने के बाद हम इसको ड्रॉप वाइज करेंगे. ड्रॉपर से डालेंगे थोड़ा थोड़ा होकर. इस मार्क तक हमारा 100 ml हो रहा है तो हम इस मार्क तक इसे 100 ml कर रहे हैं. अब इसका वेट मेजर करेंगे. अब इसका वेट है 153.68 ग्राम. हम जो ये वाटर है इसका आज का टेम्परेचर मेजर करते हैं कितना है. अब हमें जो इस फ्लास्क के अंदर 100 ml वाटर डालने के बाद जो डेंसिटी आई थी और जो पहले थी वॉल्यूम जो आई थी उसको क्या करेंगे. हम जो पहले थी एम्प्टी की और जो अब आई है वाटर की निकालने के लिए हम दोनों को माइनस कर देंगे. तब तक हम इस वाटर का टेम्परेचर मेजर करते हैं. एम्प्टी फ्लास्क था उसकी वो आया था हमारा 54.56 ग्राम. वाटर डालने के बाद 100 ml तो वो आया था 153.68 ग्राम. हमें निकालनी वाटर की डेंसिटी तो क्या करेंगे इनको माइनस कर देंगे. टेम्परेचर आज का रूम टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस. 21 डिग्री सेल्सियस पर वाटर की डेंसिटी होती है 0.99 ग्राम पर सेंटीमीटर.